हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ता। सबसे पहले पत्ता गोभी को एकदम बारीक काट लेना है। लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट तैयार कर लेना है और फिर कढ़ाई में तेल गरम कर लूँगी। अब पत्ता गोभी को धो के एक पतीला में रख लूँगी, फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद उसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। उसके बाद इसमें लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसमें अरारोट को ऐड कर दूंगी 3 बड़ा चम्मच। उसके बाद उसमें बेसन ऐड करना है 4 बड़ा चम्मच। उसके बाद सबको मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब तरफ जो है वो अच्छे से सब चीज़ मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद चेक कर लेना है कि अच्छे से मिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है। फिर एक बार चेक कर लेना है ये ठीक है कि गीला है। उसके लिए गोल बना के चेक करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ का उपयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा पेस्ट जो है अच्छे से तैयार हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला 2 चम्मच और सरदार मसाला ऐड कर देंगे 2 चम्मच। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद जो है गोल बना लेंगे इसको। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, उसके बाद इसको हम तेल में पकाएंगे, छान देंगे इसको। उसके लिए सबसे पहले हम लोग तेल में डालेंगे और कुछ टाइम पकने देंगे। उसके बाद इसको उलट पुलट देना है। अगर जुड़ जाए रहेगा तो उसको अलग कर देना है। जैसा कि ये जुड़ गया है, आप लोग देख सकते हैं, दो ठो इसको मैं अलग कर दूंगी। ब्राउन कलर होते तक पकाना है इसको। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। अब ये जो है पकने लगा है, अब पूरी तरह से पक गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब अच्छे से पक गया है तो इसको जो है निकाल देंगे और एक पतीले में इसको रख देंगे। उसके बाद थोड़ा और पकाएंगे इसको, थोड़ा सा, उतना ही नहीं होगा क्योंकि, तो इसकी क्वांटिटी जो है बढ़ाएंगे। जब तक ये पक जाता है तब तक जो है हम लोग प्याज का पेस्ट तैयार कर लेंगे। प्याज को कटिंग कर लेंगे, फिर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। साथ ही हम पेस्ट तैयार करेंगे टमाटर का। अब इसको ग्रेवी बनाने के लिए तैयार हो गया है लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट।
अब ये हमारा कोफ्ता तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। फिर इसको भुनना है। जब ये भुन जाएगा तब इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। ऐड करने के बाद जो है करछी चला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी। फिर करछी चला लेना है। फिर इसको कुछ टाइम भूनने देंगे, बीच बीच में करछी चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये भुन चुका है अच्छे से। अब इसमें ऐड करना है लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कुछ टाइम इसको भूनना है। बीच बीच में करछी चलाते रहना है ताकि ये जो है कढ़ाई से चिपके ना। अब इसमें ऐड करेंगे मसाला, गरम मसाला। मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से करछी चला लेंगे और मसाला को कुछ टाइम भूनने देंगे। अब मसाला भून चुका है, इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट इसको भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद करछी चला लेंगे। इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट जो है वो अच्छे से भुनने लगा है। इसको थोड़ा टाइम और भुनेंगे, उसके लिए इसे कवर कर देंगे कुछ टाइम के लिए। फिर अनकवर करके इसमें करछी चलाएंगे और देखेंगे कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भुना है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, उसके लिए इसे कवर कर देंगे। फिर कुछ टाइम बाद इसे अनकवर करके इसमें हम करछी चला लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा पेस्ट जो है वो ग्रेवी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे जो है साइड साइड में चिपका हुआ है वो निकल जाए। और सब्जी में अच्छा टेस्ट लाने के लिए गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे ऐड कर देंगे पानी। अब जब पानी में उबाल आ जाएगा, आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है।
अच्छे से उबाला जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे कोफ्ता को जो हमने पकोड़ा बना के रखा है, उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है इसको उबाल आने तक वेट करेंगे। जिसमें उबाल आ चुका है आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। अनकवर करके आप देख सकते हैं हमारा कोफ्ता जो है वो तैयार हो चुका है लगभग लगभग। आप लोग देख सकते हैं टेस्टी टेस्टी कोफ्ता रेडी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कोफ्ता ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा कोफ्ता रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया। धनिया ऐड करने के बाद कच्ची चला लेंगे। अब देख सकते हैं कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुका है। जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। अब कोफ्ता की सब्जी को मसालेदार भी बना सकते हैं और खट्टा भी बना सकते हैं। जैसा आप लोग को अच्छा लगे आप लोग वैसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।